इस पंजेर गांव की पावन और पवित्र भूमि पर माता सावित्रीबाई फुले के 193वीं जयंती के इस पावन कार्यक्रम में पधारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परमादरणीय पूर्व विधायक माननीय बैजनाथ कुशवाहा जी, विजयपुर से हमारे बड़े भाई आदरणीय महेश कुशवाहा जी, आदरणीय रायन डॉक्टर साहब, हमारे अंकल जो रामपुर से आए हैं आदरणीय दादा लालपत कुशवाहा जी, दादा कमोद कुशवाहा जी जारोली वाले, और ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष भाई उमेश सिंह कुशवाहा जी, और सम्मानित मंच और यहाँ बैठे समस्त मुझसे बड़े बुजुर्ग मेरे हमउम्र साथियों, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, आप सबके चरणों में सादर वंदन और नमन। अपनी बात रखने से पहले सारे विश्व को शांति का संदेश देने वाले महात्मा गौतम बुद्ध जी के चरणों में सादर वंदन और नमन, और जिनकी आज जयंती मनाई जा रही है, ऐसी परम आदरणीय माता सावित्रीबाई फुले और उनके पतिदेव महात्मा ज्योतिराव फुले जी के चरणों में सादर वंदन और नमन। और इस देश में दबे कुचले और मजलूमों को आवाज और ऐसा मंच देने वाले और इस देश के संविधान को लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में सादर वंदन और नमन। साथियों, मुझसे पहले जितने भी वक्ता बोले बहुत अच्छी और बातें उन्होंने आपके बीच में रखी, मैं कोई वक्ता तो नहीं हूँ, आपके बीच में से आपका बेटा, आपका साथी हूँ, पर जितना मुझे महापुरुषों का ज्ञान है, मैंने उनकी जो जीवनियाँ पढ़ी, आदरणीय हमारे जो पूर्व विधायक जी बैठे हैं उनसे भी काफ़ी सुना हमने उनके मंचों को माध्यम से उनको भी, तो साथियों माता सावित्रीबाई फुले का जो जन्म हुआ वो 3 जनवरी 1831 में हुआ, और आज वो जो गांव है उसका गांव नया गांव था, वो पुणे की जतारा जो जिला है उसमें पड़ता है। उनका जो जीवन है वो बहुत संघर्षों से बड़ा पड़ा है, इतने संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किए, यदि गिनाना शुरू करें तो 2-3 दिन तो हो जाएंगे, इतना उनका संघर्ष भरा जीवन है। लेकिन जीवन के मुख्य जो बिंदु कुछ रहे वो आपके सामने, 1831 में जन्म, 1841 में शादी, 9 वर्ष की उम्र में, उस समय बाबा फुले जी की जो उम्र थी वो 13 साल थी, माता सावित्रीबाई फुले की जो उम्र थी वो 9 साल थी। वहाँ से उनका जो जीवन चक्र जो शुरू हुआ वो स्वयं जब शादी हुई वो अनपढ़ थी, लेकिन उनको पढ़ने की ललक तो थी, बाबा साहब फुले बाबा जी से उनकी जब शादी हुई तो उन्होंने कहा कि पढ़ना तो मुझे भी सिखा दो, तो उन्होंने उनको पढ़ना जब सिखाया तो उन्होंने 1848 में इस देश की ST SC और OBC की जो महिलाएं उस समय घरों से नहीं निकलती थी, पढ़ने की तो बहुत लंबी बात है, उनको समझ आया कि मैं पढ़ लिख गई, मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आप आओ, तो 9 लड़कियां तैयार हुई विभिन्न विभिन्न, क्योंकि ये जातियों का देश है, यहाँ बहुत 6743 जातियों के लोग यहाँ इस देश में रहते हैं, इस देश का जो पुराना जो संविधान था वो BP वालों ने बनाया, और उन्होंने 6743 जातियाँ बनाई, क्योंकि वो ब्राह्मण पैनल कोड चलता था उस समय, आज इंडियन पैनल कोड है। तो साथियों 1848 में जो स्कूल बनाया वो बच्चियों और महिलाओं को पढ़ने के लिए उन्होंने बुलाया, तो 9 बच्चियां पढ़ने आई, और वहाँ से अपने पूरे जीवन काल में
18 स्कूल, उस समय अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों से मान्यता लेकर के 18 स्कूल अपने जीवन में अपने अनुसार चलाए और हजारों हजारों नए विद्यार्थी उन्होंने तैयार किए। तो ऐसी माता सावित्रीबाई फुले जिनको देश की महिला, पहली महिला शिक्षिका नहीं प्रिंसिपल, शिक्षिका तो सभी बन जाती प्रिंसिपल। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, मेरी जो माता बहने बैठी है कि यदि कोई देवी है तो न तो काली मैया, न सरस्वती मैया, न लक्ष्मी मैया, तुम्हारे भाग्य का उदय जिसने किया वो एक ही माता है, माता सावित्रीबाई फुले। तो मेरी बहनों और मेरी बेटियों, जब भी तुमसे कोई ये पूछे कि शिक्षा की देवी कौन है, तो जल्दी में बोल देते हैं कि सरस्वती। नहीं जे, हमारी जो माँ है वो माता सावित्रीबाई फुले। क्यों? क्या ज्ञान की देवी सरस्वती यदि, तो STSUBC की अनपढ़ जाहिल जनता क्यों? ज्ञान की देवी सरस्वती यदि, तो अनपढ़ जाहिल जनता क्यों? और धन की देवी लक्ष्मी यदि, तो नंगी भूगी जनता क्यों? नहीं टपके वेद पुराण अमेरिका, रूस, जापान में, और भारत में टपके तो केवल पंडित जी के मकान, भगत कुशवा जी को, क्रास साहब को, रावत जी को मकान बैठी टपक, बिल्कुल ही में टपक। तो ये बहुत बड़ा संघर्ष महापुरुषों का रहा, और महापुरुष ऐसे पैदा नहीं होते, सदियों में एक महापुरुष पैदा होता है। जितने महापुरुष पैदा हुए वो अधिकांश OBC समाज में पैदा हुए, और आप उनकी जन्म दिनांक देख लो, शताब्दियों में एक महापुरुष पैदा होता है, सदियों लग जाती है। लेकिन हम लोगों ने जितने भी महापुरुष आए उन सब के विचार पढ़े, किताबें पढ़ी, लेकिन अपनाया नहीं। अपनाया केवल एक चीज पकड़ ली, व्यवहारिक तीन चीजें, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो एक चीज तो पकड़ ली, शिक्षित तो है, जो बात तो डेफिनेट सही है कि शिक्षित तो है, लेकिन शिक्षित बनो, अब संगठित, संगठित नहीं है भाई। संगठित काय कर रहे हैं, मैं धाकड़ हूँ, मैं धाकड़ हम संगठित कर रहा हूँ, कुशवाजी संगठित कर रहे हैं, रावत जी ने संगठित कर रहे हैं। अरे भैया मेरे हो, 6743 जातिर में थे बाबा साहब अम्बेडकर ने नौकरी, OBC ST SC 6000 में थे, तीन बनाए थे OBC ST और ST, नौकरी के OBC ST SC पहले तो शिक्षित है जाऊ, बाकी बाद में संगठित है जाऊ, संगठित है शिक्षित है, तब संघर्ष कर पाओगे। कौन से जिनते 15% भाई। तो शिक्षा तो ऐसा कोई समाज नहीं है जो शिक्षा में अग्रण हो रहा हो। हर आज का जो भी खेती, हर जो किसान है जो हल चलाता है, वो भी ये सोचता है मेरा बेटा पढ़ जाए, हर आदमी। तो शिक्षा में तो कम सही है, संगठन में कम गड़बड़े रही है। और राजनीति का जो प्रदर्श है, हालांकि ये मंच राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन मेरे किसी भी OBC समाज का कोई भी नेता हो, मैं उनसे मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, आप लोग टिकट मांगने जाती हो कांग्रेस में, आप लोग टिकट मांगने जाती हो BJP में, आप लोग टिकट मांगने जाती हो BSP में, तुम देने वाले थे, मांगने वाले कब बन गए? अगर OBC की आबादी को अपन जोड़ ले जाती है समय, तो 54-55% है भाई। तो 54-55% आदमी, 15% SC मायावती चलाते हैं भाई, नो मान लो ऊपरी जो कांग्रेस BJP जिनने पंडित जी चलाए गए, और भाई लेन लग के जा रहे हैं भाई आदमी, उन्होंने टिकट दे दो। अरे टिकट तो मांग रहे हो तुम देव भाई, देवी वाले मांग रहे हैं, ये इस देश का दुर्भाग्य है। इसीलिए हम लोग, चाहे वो कुशवा हो, चाहे धाकड़ हो, चाहे कोई भी OBC की बिरादरी हो, आज राजनीति में जो हमारा जो हर्ष हो रहा है वो यही इसी का कारण है कि हम देने वाले से मांगने वाले बन गए, देने वाले से हम मांगने वाले बन गए। और मांगने वाले बनाने वाले लोग वही है जिनसे आज हम मांग रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान सभा पे पहले दिन पटल पे जब संविधान लिखा था, उन्होंने ये भी बात कही थी कि मैं संविधान कितना भी अच्छा लिख जाऊं, लेकिन यदि आपने इस वोट की
ताकत जो आपके पास है, अगर उसका थोड़ा सा गलत भी उपयोग कर दिया और गलत लोगों के हाथ में अगर सत्ता दे दी तो वो लोग आपके वोट से सरकार बनाकर आप पे ही अधिकार करेंगे, आपको ही परेशान करेंगे। आज वो आप हमारे सब लोगों के सामने है। तो हमारा तो इस मंच के माध्यम से यही कहना है, ज्यादा बात नहीं कहेंगे। और एक वक्ता बैठे हैं के साथियों, समाज को जागृत करो, जिस जाति में हमने जन्म लिया है उसको जागृत करिए, लेकिन संगठित समझ तो इसी समाज को करिए, तब आपका उद्धार होगा। बकाया जातियों के संगठन से कभी किसी समाज का उद्धार नहीं होगा, जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस बात को। अपने समाज को जागृत करो, शिक्षा में जागृत करो, राजनीति में जागृत करो, लेकिन संगठन टोटल एसटी एससी और ओबीसी का होना चाहिए, तब आपकी बात गूंजेगी विधानसभा लोकसभा और पूरे देश के अंदर। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।